स्वागत है आप सबका सिंगाडर जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग स्टेट्स की ईवी पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। पहले तेलंगाना, फिर न्यू दिल्ली, अभी कल गुजरात स्टेट ने भी अपनी ईवी पॉलिसी लॉन्च की है। तो हमने देखा कि सभी को कंपेयर करके कि अभी तक जो न्यू दिल्ली की ईवी पॉलिसी है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, या हम बात करें जो 1.5 लाख की सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक कार पर। अभी तक सिर्फ न्यू दिल्ली ऐसी है जो 1.5 लाख तक की सब्सिडी पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो तो उस पर दे रही है। अभी तक जो भी ईवी पॉलिसी में कहा गया था उस पर काम शुरू हो चुका है। आज का अपडेट यही है कि सिर्फ बातें ही नहीं है, कागजों में नहीं है, एक्चुअल में जो ईवी पॉलिसी में जो कुछ कहा गया था न्यू दिल्ली उस पर काम शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जो जिस पर शुरू हुआ है काम, सबसे दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या ईवी इंफ्रा जिसको हम कह सकते हैं। ईवी पॉलिसी में अंडर फेस वन 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए बात कही गई थी डिफरेंट लोकेशन पर, उसी पर काम शुरू हो चुका है। फेस वन में 200, उसके बाद फेस टू में और ज्यादा इंफ्रा सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई है जिसमें जो इनके वाइस चेयरमैन है मिस्टर जैस्मीन शाह, वाइस चेयरमैन ऑफ डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, पिछले हफ्ते उन्होंने मीटिंग की है जिसमें जो तीनों एमसीज हैं न्यू दिल्ली की, उसके अलावा एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीटीसी, डीएमआरसी, डीएसआईआईडीसी, इन सब ने मिलकर इमीडिएटली उन लोकेशंस को पहचान करने का काम शुरू कर दिया है जहां पर वो इन चार्जिंग इंफ्रा को सेटअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जो चार्जर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर वो तो स्टेशन सेटअप होंगे, उसके अलावा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को भी सेटअप करने की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि अच्छी बात है। दोनों ही तरह के इंफ्रा डेवलप होने जरूरी हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट बहुत जल्द जो फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कही थी ईवी जो चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने पर जो बेनिफिट सब्सिडी इंसेंटिव देने की बात कही थी उस पर भी बहुत जल्द क्लैरिटी करने वाली है। उस पर भी जो फाइनल जो उस पर चल रहा है बहुत जल्द उस पर भी क्लैरिटी होगी कि किसको कितना बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा इन चार्जिंग स्टेशन को सस्ते में थोड़ी चीप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। न्यू दिल्ली के जो सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो चाहते हैं कि वो न्यू दिल्ली को जो ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में एक ईवी कैपिटल के दो तौर पर दुनिया इस शहर को देखे, और साथ में जो ईवी पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि टॉप सिटीज़ में न्यू दिल्ली का नाम आए इन टर्म्स ऑफ ईवी पेनिट्रेशन। और वो चाहते हैं कि 2025 तक 5 लाख ईवी ऑन रोड वो उतारना चाहते हैं और इसको लेकर वो सीरियस भी हैं। उनका ज़्यादा फोकस जो यहाँ देखा जा रहा है जो चार्जिंग इंफ्रा है, लाइक जो स्लो चार्जर रहते हैं AC001 5 किलोवाट तक जिसकी पावर रहती है, उसके अलावा जो DC चार्जर हैं DC001 15 किलोवाट तक, उसको ज़्यादा सेटअप किया जाएगा विद इन सिटी। और जो ज़्यादा पावर के हैं लाइक 50 किलोवाट इस तरह के जो DC फास्ट चार्जर हैं उनको नेशनल हाईवे पर सेटअप किया जाएगा, क्योंकि सिटी के अंदर ज़्यादा DC आई थिंक ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप उसको घर पर अपने ऑफिस वगैरह में चार्ज कर सकते हो, लिमिटेड अप डाउन रहता है। लेकिन नेशनल हाईवे पर बिल्कुल वहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जर्स 50 किलोवाट या उससे ज़्यादा इस तरह के चार्जिंग इंफ्रा की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा इन चार्जिंग इंफ्रा को डिफरेंट जो लोकेशंस पर मॉल्स हैं या ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और साथ में हॉस्पिटल्स में भी सेटअप किया जाएगा। उम्मीद है न्यू दिल्ली की तरह अदर स्टेट भी सिर्फ प्लानिंग में या बातों में या कागजों पर ईवी पॉलिसी को नहीं लेकर आएगी, उस पर बहुत जल्द काम भी शुरू करेगी। फिलहाल थम्स अप है यहाँ दिल्ली सरकार को कि ईवी पॉलिसी को लेकर वो सीरियस है, उस पर काम शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इसके रिजल्ट भी बहुत जल्द सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे वाक्य पर अपडेट पर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो जो हमने शुरू में कहा कि अगर हम तेलंगाना, न्यू दिल्ली या गुजरात पॉलिसी की बात करें तो न्यू दिल्ली की पॉलिसी यहाँ पर बेटर निकल कर आई है, कौन कौन सी रीजन आपको लगता है कि बेटर है, बेटर देन अदर स्टेट्स, तो उस पर जरूर आप कमेंट कहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी रिक्वेस्ट है कि सिंगाडो जोन अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जो नॉन हिंदी या फॉरन इंटरनेशनल ऑडियंस है उनके लिए बिल्कुल इस चैनल को स्पेशली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ कमी हो क्योंकि मेरी इन्फ्लुएंसी अभी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है इंग्लिश की, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, आपके सामने है। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।